अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करें जी चैप्टर नंबर टू, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो चलते हैं जी हम अब नीचे, हम यहाँ से पहला टॉपिक जो है स्टार्ट करना है। तो पहला जो टॉपिक है उसकी हेडिंग जो मेन है वो है थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम थ्योरीज और कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिलेटेड है। यहाँ से सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इस चैप्टर में हम दो मॉडल्स पढ़ेंगे, एक बोहर एटॉमिक मॉडल है और एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कवर करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम्स। तो इसमें मैं बता रही हूँ कि 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए किया क्योंकि वह जानना चाहता था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। जिस तरह कि अब हमें पता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम पर चीज़ नहीं पता थी, और वो इसलिए रदरफोर्ड ने 1911 में ये एक्सपेरिमेंट किया। अब नीचे ये 2.111 जो सेक्शन है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल अबाउट 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस विद अल्फा पार्टिकल्स। ही यूज अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम। अब रदरफोर्ड ने, बॉम्बार्डेड का मतलब होता है लेना, ठीक है। उसने एक चीज़, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल लिया जो कि 0.00004 सेंटीमीटर पतला था, और उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स उसने कौन से लिए? उस ही यूज्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम। पोलोनियम जब डिसइंटीग्रेट करता है, जब वो टूट जाता है, तो उसके अंदर से जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं उसने वो लिए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई दैट आर डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हीलियम न्यूक्लियाई हैं जिनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, जिस तरह नीचे लिखा हुआ है Ag और ऊपर डबल प्लस साइंस है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, ठीक है। जितने मोस्टली जितने भी जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना, वो सीधे इस गोल्ड फॉइल में से पास हो गए। जिस तरह इस डायग्राम में ये ब्लू सारा हमारे पास बॉक्स है जिसपे लिखा हुआ है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ से, और ये जो गोल्ड सारा है इस पर लिखा हुआ है ये गोल्ड फॉइल, ठीक है। इसमें से ये जो ब्लू सारा है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकले। मोस्टली जो थे वो गोल्ड फॉइल में से पास हो गए। ओनली अ फ्यू पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, लेकिन जो कुछ पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, वो स्ट्रेट पास नहीं हुए। बट वन इन वन मिलियन वॉज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री फ्रॉम देयर स्ट्रेट पास। और कुछ जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की रेज थी वो रिफ्लेक्ट हो गई वहाँ से, ठीक है। मतलब वो अंदर गोल्ड फॉइल में से पास नहीं हुई, वो उधर से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। तरह से ऊपर चलते हैं। 90 डिग्री, रदरफोर्ड परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग थिन फॉइल्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ही ऑब्जर्व सिमिलर रिजल्ट्स फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट्स। रदरफोर्ड ने इसी किस्म का एक्सपेरिमेंट दूसरे फॉइल्स को भी यूज़ कर इस्तेमाल में लाते हुए किया। इस तरह उसने एल्यूमिनियम का यूज़ किया या इस तरह के मुख्तलिफ थिन, इतने ही थिन फॉइल्स उसने इस्तेमाल किए, और यही सारा स्ट्रक्चर था एक्सपेरिमेंट का। लेकिन गोल्ड फॉइल की जगह उसने किसी और मेटल का फॉइल इस्तेमाल किया, ठीक है, और उसे सिमिलर ही रिजल्ट्स मिले। अब नीचे लिखा हुआ है रदरफोर्ड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन। हमें कंक्लूजन क्या मिला है सारे एक्सपेरिमेंट से? पहला ये कि सिंस मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। इसमें कह रहे हैं क्योंकि जो मेजॉरिटी, हमने यही पढ़ा कि मोस्टली जितने भी जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास हो गए फॉइल में से, और वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम की है ना वो खाली थी, ठीक है। अगर वो खाली ना होती तो जिस तरह कुछ जगह से वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ है, बाकी वो उसी तरह रिफ्लेक्ट बैक हो जाता, वो आगे पास आउट ना होता स्ट्रेट। दूसरा है
द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थ्रू एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री शोज दैट दीज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स एंड द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए 90 डिग्री के से ज़्यादा एंगल पे, उनकी वजह ये थी कि उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन हो गई। किन दो चीज़ों के दरमियान? जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स थे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान, और जो पॉजिटिव पार्ट था, पॉजिटिव जो चार्ज पार्ट था एटम का, उनके दोनों के दरमियान कोलिजन हुई, तो जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो गए। और तीसरा है, मैसिव अल्फा पार्टिकल्स वर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, वो सीधे सीधे गुजर गए। अच्छा, अब नीचे से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट्स रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ न्यू मॉडल फ्रॉम एन एटम। ठीक है, अब ये जो उसने सारा जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पे, जो उसने कंक्लूजन निकाला उसकी बेस पे, उसने एक नया मॉडल एटम का बनाया। He proposed a planetary model. A planetary model से मुराद है for an atom. इससे मुराद है जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि सेंटर में सन है और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह उसने एटम को भी इसी तरह दिखाया। An atom is a neutral particle. उसने कहा कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। He named द मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन। अब एटम का जो मोस्टली जो मास है वो उसके न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो उसने कहा कि एटम का जो मोस्टली जो मास है वो उसके बिल्कुल एक छोटे से स्मॉल डेंस चार्ज रीजन में होता है, जिसने ही नेम दिस रीजन एज न्यूक्लियस। उसने उस सेंटर पार्ट को, सेंटर स्मॉल डेंस पार्ट को न्यूक्लियस का नाम दिया। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कल्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कल्स में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, और उसने इन सर्कल्स को ऑर्बिट्स कहा। द सेंट्रीपेटल फोर्स ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंसेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स जो एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती रहती है, लेकिन रिवॉल्व हो रहा होता है लेकिन वो अपने सेंटर ही की तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। यह आप फिजिक्स में पढ़ोगे भी। अच्छा, अब जो अगला टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स इन रदर, थोड़ा सुपर कर लेते हैं, डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें कुछ डिफेक्ट भी थे, अब हम पढ़ते हैं कि वो क्या था। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम रिजेंबल्स आवर सोलर सिस्टम, ये हमने ऊपर पढ़ा कि वो सोलर सिस्टम से रिजेंबल करता है, उससे मिलता जुलता है। इट हैज़ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स। अब उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे, उसमें कुछ गलतियाँ भी थी। फर्स्ट है, क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट दैट द इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल विल लिमिट द एनर्जी कॉन्टीन्यूसली बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। थस द ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर अंटिल इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड दिस वुड कोलैप्स द एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई चार्ज है और वो मुसलसल एनर्जी रिलीज करता जाएगा, जिस तरह वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता जाएगा क्योंकि उस पर चार्ज है, तो वो अपनी इस मूवमेंट की वजह से उस वो एनर्जी एमिट करते रहेगा, एनर्जी निकालता रहेगा। तो इसकी वजह से जो ऑर्बिट है उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का वो छोटे से छोटा होता जाएगा, और जो वो इतना छोटा हो जाएगा कि ऑर्बिट ख़त्म हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और इसकी वजह से एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा। एक पहला ये डिफेक्ट था। और दूसरा ये था कि इफ़ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी कॉन्टीन्यूसली इट शुड फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर एन एटम बट अ लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। वो ये कह रहे हैं कि अगर जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो अगर कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो उसको एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होती है। मैं आप लोगों को समझाती हूँ कैसा, एक मिनट। है ना, ये ऊपर वाली जो डायग्राम है इसमें देखें, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम इस वजह से क्योंकि इसमें ब्रेकेजेस हैं मुख्तलिफ, इसमें ब्रेक्स आ रही हैं, मतलब ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। लेकिन आप ये नीचे वाली डायग्राम, ये वाला जो है, अब इसे देखें कि ये कॉन्टीन्यूस है, इसमें किसी किस्म का कोई ब्रेक नहीं है, कोई गैप नहीं है,
तो जैसा कि हमने यहाँ भी देखा था, बुक पे दोबारा चलते हैं, कि अगर जो कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम बनना चाहिए लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है, एक कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम बनना चाहिए जो नीचे वाला है लेकिन एक लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो इस वजह से भी ये रदरफोर्ड का जो मॉडल था इसमें भी कुछ हद तक गलती थी, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक था ना उसमें इतना ही था, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक थ्योरी। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।